जिनसी हरासियत खवातीन के लिए बहुत ही बड़ा मसला है। इसमें छेड़छाड़ करना, जुमले कसना, जुमानी बातें करने से लेकर जिनसी तशद्दुद तक सब शामिल है। हकूमत ने अब इस रवैये को एक जुर्म करार दे दिया है। ये बहुत ही खुशायन बात है। अब पाकिस्तान पीनल कोड के तहत दफ़ा 509 में इस पर बाकायदा सज़ा हो सकती है, 5 लाख तक का जुर्माना और 3 साल तक की कैद। इस कानून के मुताबिक जिनसी ताल्लुकात के मुतालबात या जिनसी पेशरफ्त या कोई भी ऐसा जबानी, तहरीरी या जिस्मानी रवैया जो जिनसी नौयत का हो शामिल है। इस किस्म के रवैये का मकसद या तो दूसरे को तकलीफ पहुंचाना, उसकी तौहीन करना या डराना धमकाना हो सकता है। इस कानून के तहत अब ये तमाम रवैये जिनको जिनसी हरासियत कहा जाता है वो पूरी तरह कवर होते हैं। दफा 509 के तहत काम करने वाली खवातीन को भी तहफ़ हासिल है। यही जिनसी हरासियत का रवैया आपके काम करने की जगह पे, चाहे आपके साथ काम करने के लोग हों या आपके सुपरवाइज़र, अगर वो आपके साथ छेड़छाड़ करें या कोई आपकी नौकरी देने या नौकरी से निकालने की धमकी दें और उसके साथ जिनसी नौयत की शरायत रखें, तो उससे भी ये कानून आपको तहफ़ देता है। जिनसी हरासियत सिर्फ काम करने की जगह पर ही नहीं बल्कि सड़कों पे, मार्केटों में, बसों में, यहाँ सब होती है। मर्दों और औरतों के बीच में बसों में जो कंपार्टमेंट की एक जाली सी लगाई होती है, अगर उसके पास आप खड़े हो जाएं तो आपको पेंच भोए जाते हैं, सीट पे बैठे तो सीट के पीछे से हाथ मारे जाते हैं, चुटकियाँ काटने से लेकर खुलेआम बदतमीज़ी करना इसमें शामिल है। वो टच करता रहा, मुझे छेड़ता रहा, उसके बाद मैंने उसे ज़बानी मना किया कि आप इस तरह ना करो। उसके बावजूद वो ढीठ बना, उसने अठधर्मी दिखाई और मेरे कंधे को टच किया। जब उसने टच किया तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, और ये थप्पड़ मारना मेरा हक था क्योंकि वो हाथ उस जगह तक ले आया था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे मना करने के बावजूद तो होना यही चाहिए था कि वो गाड़ी में जो लोग बैठे हुए थे, 16 मर्द थे, उनमें से किसी को इनिशिएटिव लेना चाहिए था और उन्हें ये कहना चाहिए था, मेरे बजाय उन्हें ये कहना चाहिए था कि तुमने ऐसा क्यों किया। बजाय इसके ये होता कि वो शर्मिंदगी से होती, उसने थप्पड़ मार दिया मुझे। और थप्पड़ जब उसने मुझे मारा तो उन मर्दों का फ़र्ज़ था कि उन्हें कुछ कहते। उसे कुछ कहने के बजाय वो सारे खामोश रहे और वो मुझे बराबर गालियां देता रहा। जातली तक वो मुझे गालियां देता रहा, मैं तुम चकवाल जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुमसे पूछ लूंगा, चकवाल उतरोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो मैं कोई जवाब नहीं दिया, बैठी रही। और मेरे पास एक यहाँ के मेरे दोस्त हैं, एनजीओ में काम करते हैं, मेरे पास उनका नंबर था, मैं उन्हें मैसेज किया, उन्होंने मुझे थाना सिटी चकवाल का नंबर दिया। मैंने वहाँ पर SHO से बात की, इतने में वो प्रोसेस हो गया और SHO ने जवाब आ गया SHO की तरफ से कि हम गाड़ी लेके खड़े हैं और उसको अरेस्ट कर लेंगे। उसको पता चल गया कि इसने कुछ किया है, लेकिन उड्याल में उसने गाड़ी खड़ी की। तो मैंने ड्राइवर और कंडक्टर को बताया कि जब आप ये बंदा अगर जाता है तो आप लोगों को बंदा पर देना पड़ेगा और थाना सिटी के जो SHO है वो इस इंतज़ार में खड़ा है। लेकिन ड्राइवर ने मेरी खातून होने के नाते मेरी बात पर यकीन नहीं किया, तो उन्होंने खिड़की खोली तो मैंने उस बंदे को पकड़ लिया, घसीटने की कोशिश की, उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और छुड़ा गया हाथ, फिर उसे मैंने गले से पकड़ लिया। और इतने इस प्रोसेस में ये तकलीफ दे प्रोसेस था और मैं उस वक्त अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। इस प्रोसेस में किसी बंदे ने उठ के ये नहीं कहा कि इसको पकड़ लें, इसकी इस लड़की की मदद कर दें। वो उतर गया तो उसके बाद फिर हम चकवाल पहुँचे तो वहाँ पर थाना सिटी चकवाल, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, पूरा स्टाफ और SHO वहाँ पे मौजूद थे जो थाने में ले गए गाड़ी को। लेकिन मैं उसके बावजूद वो इतनी हौसला अफजाई भी हो गई, थाना सिटी का SHO आ गया, लेकिन उसके बावजूद मेरी हालत गैर थी और मैं उस रात सो नहीं सकी। औरतों को मुलाजमत करने के किरदार में तो अभी तक हमने माना ही नहीं, हम तो उनको माँ, बहन और बीवी के रूप में ही देखते आए हैं। औरतें अब पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, एजुकेशन के सेक्टर में हैं, खेतों में काम करती हैं, भट्टों पे काम करती हैं। उनका वो जो एक काम करने का एक पूरा किरदार है और इस माशरे में जो कंट्रीब्यूशन है उसको हमने पूरी तरह नहीं माना।
यही वजह है कि ना सिर्फ सड़कों और बाजारों में उनके साथ जिनसी हरासियत होती है, बल्कि काम करने वाली जगह पर भी उनको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक लड़का आके मेरे सामने बैठ गया, एक दिन भी बैठा, दो दिन भी बैठा, मैं कहा भाई क्या बात है, कहना मैं तुझे देख रहा हूँ। मैं क्यों बहनों को नहीं देखते, मैं भाई तुम्हें ऐसा करो हमारे सामने आ जाओ, रज के देख लो। उसने बहुत गुस्सा आया, वो कह नीचे आएंगी तो फिर मैं बताऊंगा तुझे। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं नीचे भी आना, मैं घर में जाना है, मैं कहा तुम आ जाना। जो मेरा इंचार्ज था, मेरा उस्ताद था, उसने लड़के भेजे, मोटरसाइकिल भेजा, वो मुझे घर छोड़ के आए। काफ़ी लड़ाई हुई उनके साथ, लेकिन मैं फिर उधर से भी काम छोड़ दिया। जो औरतें फैक्ट्री में काम करती हैं उनको कभी उनके मालिक, सुपरवाइजर या साथ के दूसरे मजदूर बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि जैसे वो कमज़ोर हैं और उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है, नौकरी से निकालने की धमकी देकर उनसे जिनसी ताल्लुकात की या जिनसी कुर्बत का मुतालबा किया जा सकता है। मैं थे काम करती सा है ना, मैनू क्या तू चले जा, मैं कहा नहीं भाई मेरी कोई गलती, कहते साड़ी फैक्ट्री असी तैनू नहीं रखते, और कोई कवे मेरे नाल चल, कोई कवे मेरे नाल चल। मैं कहा वेखो मैं तुहाडी आंटी हाँ, तुहाडी मावां दी जगह ते बेटा मैनू ना कुछ कहो। कह नहीं अगर तू नहीं करें तू चले जा। मैं फिर एक दिन रो के ना ते वापस घर आ गई। जिनसी हरासियत चाहे वो सड़कों पे हो, बसों या ट्रेनों में हो, खेतों में हो, फैक्ट्रियों में हो या फिर घरों में हो, अब एक जुर्म है और दफ़ा 509 के तहत अब आप पुलिस में उसकी रिपोर्ट करा सकते हैं और उस मुजरिम को पकड़वा सकते हैं। हाँ, इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि कोई गवाह आपके पास ज़रूर हो, कुछ एविडेंस आपके पास हो, ताकि उसको बाकायदा तौर पर उस केस को आप आगे ले जा सकें। इसके अलावा हमने एक ये भी बात सोचनी है कि कवानीन सिर्फ लोगों को पकड़वाने के लिए नहीं होते, बल्कि इस वजह से भी होते हैं कि हम अपने मुआशरे को दुरुस्त कर सकें, हम अपने बच्चों को सिखा सकें कि क्या सही है क्या गलत है। आइए हम कोशिश करते हैं कि अपनी अगली जनरेशन के लिए, अपनी अगली नस्ल के लिए, अपने बच्चों के लिए इस मुआशरे को बेहतर बनाएं, ऐसा मुआशरा जहां मर्द और औरत दोनों का तकद्दस बरकरार।